नवंबर 1984 हिंदू तब का महातांडव इंसाफ का घात ते गर्भपात वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवंबर 1984 कतलेआम तो बाद छेती ही पुलिस के समुचे रोल की छानबीन करने लई दिल्ली पुलिस के अडिशनल कमिश्नर श्री वेद पी मरवाह की अगवाई हेठ एक कमिश्न बिठाया गया सी, जिसने 1985 के मध तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी सी। पर बाद विच जदों मिश्रा कमिश्न नामजद हो गया तो मरवाह कमिश्न नूं सौंपिया गया कार्ज भी मिश्रा कमिश्न के हवाले कर दिता गया सी। मरवाह द्वारा इकट्ठा किया गया सारा रिकॉर्ड, जिस विच उस दीआं कुछ बहुत ही अहम हाथ लिखत टिप्पणियां तो इलावा होर बहुत सारे दुर्लभ दस्तावेज सन, सरकार ने फड़ के मिश्रा कमिश्न दे सपुरद कर दिते। इस तरह सब तो पहले कमिश्न का अध विचाले ही भोग पा दिता गया सी। बाद विच जाके कायम किए गए हर कमिश्न ते कमेटी नूं किसी एक जां दूसरे तरीके नाल नकारा कर दिता गया सी। फरवरी 1987 विच मिश्रा कमिश्न की सिफारिश ते पुलिस दे रोल की जांच पड़ताल करन लई एक सेवा मुक्त जज दलीप कपूर ते सेवा मुक्त IAS अफसर श्रीमती कुशम मित्तल ते आधारित कपूर मित्तल कमेटी स्थापित की गई। तिना साल बाद श्री कपूर ने तो कमेटी के अधिकार खेत्र बारे सवाल खड़ा करके कमेटी के कामकार तो अपना पला छुड़ा लिया सी, जदों के श्रीमती मित्तल ने 72 दोषी पुलिसियां दी निशानदेही करदे हुए उन्हां चों 30 अफसरां नूं तुरंत बरखास्त कर देण दी सिफारिश कर दित्ती सी। पर 22 साल बीत जाण दे बावजूद अजे तक किसी एक भी दोषी पुलिस अफसर का वाल विंगा नहीं होया। मिश्रा कमिशन की ही सिफारिश उत्ते एक होर कमेटी जिसनूं जैन बैनर्जी कमेटी का नाम दिता गया कायम की गई सी, जिसने अगस्त 1987 सज्जन कुमार ते होरना विरुद्ध मुकदमे दायर करन दी सिफारिश की सी। इंसाफ पसंद ताकतां दे लख जोर लाउण दे बावजूद जैन बैनर्जी कमेटी दीआं सिफारिशां उत्ते कोई भी असरदार कार्रवाई नहीं हुई। कारण ये कि किसी भी राजसी हुक्मरान ने दोषियों नूं हाथ पाउण दा दिली इरादा ते दम नहीं विखाया। 23 मार्च 1990 नूं जस्टिस सुब्रामनियम पोटी ते उस दे नाल एक ईमानदार ते खरे पुलिस अफसर पदम ए रोशा की अगवाई हेठ पोटी रोशा कमेटी कायम की गई, जिसने जैन बैनर्जी कमेटी दे अणकीते कारजां नूं नेपरे चाढ़ना सी। 22 सितंबर 1990 नूं जद इस कमेटी की 6 महीनों की मियाद पूरी हो गई तो इसने उत्थे ही काम करना बंद कर दिता। इस तों बाद सरकार ने पोटी रोशा कमेटी का विचाले छड्या कार्ज नेपरे चाढ़न लई जैन अग्रवाल कमेटी के नां हेठ एक होर कमेटी बना दिती। इस कमेटी ने हरकिशन लाल भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर ते धर्मदास शास्त्री वर्गे नामी मुजरमां खिलाफ मुकदमे दायर करन दी सिफारिश कीती। 30 जून 1993 नूं इस कमेटी का भोग पा दिता गया अते उस दीआं सिफारिशां उत्ते अमल करन दा काम थाएं जाम हो के रह गया। मिश्रा कमिशन की ही सिफारिश उत्ते कतलेआम दौरान होईयां कुल मौतां दा वेरवा इकट्ठा करन लई एक होर कमेटी आहूजा कमेटी कायम की गई सी। अगस्त 1987 विच इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करदिआं मौतां दी कुल गिणती 2733 दर्शाई सी, जो कि हकीकत नालों ज़रा तौर ते घट है। पीड़ितां दे मुड़ वसेबे लई 1985 विच गुरदयाल सिंह ढिल्लों की अगवाई हेठ एक कमेटी स्थापित की गई सी। बीमा कंपनियां ने तकनीकी अड़के ला के इस कमेटी द्वारा सुझाए गए मुआवजे देने तो
इनकार करी रखिया। जद अपार दुगल ना दे एक नेक दिल अफसर ने पीड़ित सिखा नू मुआवजे दवाउण लई ईमानदार जतन करने चाहे तो उसनू पुज के खजल खुआर किया गया। इथों तक कि सेवा मुक्त होने तो बाद भी उसका खहड़ा नहीं छड़िया। दसंबर 1993 दिल्ली के तत्काली मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना भारतीय जनता पार्टी ने सिखा नाल इंसाफ करन दा प्रभाव पैदा करन लई जस्टिस रणजीत सिंह नरूला की अगवाई हेठ एक विशेष कमेटी कायम की। इस कमेटी ने हरकिशन लाल भगत सज्जन कुमार ते जगदीश टाइटलर वर्गे उभरवें दोषियों के खिलाफ मुकदमे दायर करन दी मुड़ तों सिफारिश की। इस कमेटी का अधिकार खेतर सरकार नू सलाह देन तक ही सीमित सी। इस करके उस दीयां सिफारशां उत्ते कोई भी असरदार कार्रवाई ना हो सकी। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वालों सिखां दीयां अखां पूंझण लई कीती गई यह एक बेकार कार्रवाई सी। भारतीय जनता पार्टी की वाजपाई सरकार भी ताकत विच आउण तों 2 साल तक सिखां नू इनसाफ दवाउण दे इस मसले नू हाथ लैण तों कन्नी कतराउंदी रही। आखिर कुछ इनसाफ पसंद ताकत दे दबा करन उपरंत एक नवा पड़तालिया कमिशन कायम करना पै गया। इसका काम सुप्रीम कोर्ट के एक सेवा मुक्त जज जी टी नानावती नू सौंपिया गया। पर इस कमिशन की कारगुजारी भी पहला थापे गए कमिश्नर अते कमेटियां तो कोई बहुती अलग नहीं सी रही। इस कमिशन ने भी सच की तह तक जाण लई कोई गंभीरता ना दिखाई। कमिशन की कार्रवाई नू अपनी अखी तक के सरदार खुशवंत सिंह ने भरे मन नाल पत्रकार हरिंदर बवेजा नू दसिया, नानावती कमिशन ने मैनू बहुत निराश किया। जदों मैं कमिशन सामने अपना पक्ष पेश करन पुजा तां उत्थे एक चाह पार्टी वर्गा माहौल सी। हर कोई एक दूजे नू मशकरियां कर करके हस रहा सी। जिहड़े व्यक्ति सिख कतलेआम की योजना बनाउण विच सीधे रूप विच शामिल सन जां जिन्हां दीआं अखां सामने इह सिरे चाढ़िया गया उन्हां विच होरनां तों इलावा सीनियर कांग्रसी आगू अरुण नहरू, प्रधानमंत्री का सलाहकार पीसी अलगजेंडर अते दिल्ली का लैफ्टिनेंट गवर्नर पीजी गवैया शामिल सन। पर नानावती कमिशन ने ना तो इन्हां नू गवाहां वजों सद्या, ना इन्हां वलों हलफनामे लए अते ना ही इन्हां ते जिरा करवाई। पर करवाउंदा तां ही जे उस दी सच दा पता लाउण विच कोई दिलचस्पी हुंदी। नामवर वकील ए जी नूरानी मुताबक असल गल इह सी कि ना तो 1985 विच कांग्रेस सरकार दी ते ना ही हुण 2000 विच भाजपा दी सरकार दी सच जानण विच कोई रुचि सी, ना ही उन्हां वल्लों नामजद कीते गए जज ही अजिहा करना चाहुंदे सन। लगभग 5 साल का समा बर्बाद करके जस्टिस नानावती ने 9 फरवरी 2005 नू जिहड़ी रिपोर्ट पेश कीती उस विच महत्वपूर्ण मुद्दियां ते मिश्रा कमिशन दे सिटियां नू ही शब्दां दे कुछ हेर फेर नाल मुड़ दोहराया गया सी। उस समय कांग्रेस पार्टी मुड़ ताकत विच आ चुकी सी। जस्टिस नानावती ने लिखिया, इस गल दा भोरा भर भी सबूत नहीं मिलदा कि राजीव गांधी जां किसी होर चोटी दे कांग्रसी आगू ने सिखां ते हमलियां नू जथेबंद कीता होवे जां अजिहा करन लई कहा होवे। जो भी कारवाइयां होईयां ओह स्थानक पद्धर दे कांग्रसी आगूआं अते कारकुनां वल्लों होईयां अते जापदा है कि उहनां ने अपने निजी सियासी हितां नू ध्यान विच रख के कीतियां। ग्रह मंत्री दी पद्धर ते कोई देरी जां बेपरवाही नहीं सी। इस तरह जस्टिस नानावती ने चोटी दे कांग्रसी आगूआं अते मंत्रियां नू साफ साफ बरी कर दिता। सिर्फ सज्जन कुमार अते जगदीश टाइटलर वर्गे 2-3 कांग्रसी आगूआं बारे होर पड़ताल करवाउण दी सिफारिश करके अपने वल्लों मसले नू समेट दिता। जस्टिस नानावती कमिशन की रिपोर्ट तो बाद
गल फिर मुड़ उथे आ गई जिथे नवंबर दसंबर 1984 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस रिपोर्ट बारे पार्लीमेंट विच बोलदिया कहा सी, असी सारे जानते हाँ कि इन्ना समा बीत जाने के बाद भी असी सच नूं जाण नहीं सके। असल विच जदों किसी कतलेआम विच राज दा अपना हाथ होवे इनसाफ दी भाल एक भरम तो वध कुछ नहीं हुंदी। लेखक सरदार अजमेर सिंह, आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।